वहां से उठा दिया गया और अभिनव की जगह जो सारा आकर बैठी है, सारा के बाद दियो लाके बैठा है, दियो के बाद राहुल लाके बैठा है, तो सब लोग पोजीशन चेंज करते करते एंड में फिर से निकी ने वहां पे पोजीशन हासिल कर ली और इम्यूनिटी जीती पवित्रा और निकी ने। दोनों ही सेफ जोन में आ चुकी हैं और दोनों सेफ हो चुकी हैं। और बिग बॉस ने जैसा ही टास्क दिया था और उसके बाद सलमान खान की एंट्री हुई, सलमान खान ने सबसे पहले सबकी क्लास ली, जिस तरीके से वो हर बात करते हैं और हंसी मजाक भी उन्होंने सबके साथ किया। रुवीना को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अप्रिशिएट किया जिस तरीके से वो खेल रही है और उन्होंने बोला और अच्छा कर सकती है। और अभिनव को उन्होंने थोड़ा सा बोला कि रुवीना के बीच में जो चीजें वो कर रही होती है, स्टैंड ले रही होती है, जैसे ही अभिनव बीच में पड़ जाते हैं तो वो थोड़ा बैकफुट पे चली जाती है तो उसका गेम थोड़ा सा खराब हो जाता है। हालांकि निशांत, जान, सारा और अभिनव को नहीं दिख रहे हैं घर में, जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि ये लोग दिख ही नहीं रहे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और बाद में शो में तो ज्यादा इनका कॉन्ट्रीब्यूशन दिख ही नहीं रहा। तो वही चीज सलमान भाई जान ने भी उनको दोहराई कि वहां पे कुछ करो, ऑडियंस बन के टीवी के अंदर मत बैठो, कुछ करना ही पड़ेगा। और जैस्मीन को भी बोला कि बार बार इमोशनल होने की, ओवर इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, सबकी क्लास रखना बहुत जरूरी थी। जिस तरीके से बिग बॉस चल रहा था यहाँ पे किसी का भी नहीं पता चल रहा कौन किसका दोस्त है और कौन किसका दुश्मन है। एक्चुअली बहुत ज्यादा टफ मुझे लग रहा था कि सब लोगों को हो रहा है, क्या करें क्या ना करें, क्योंकि पीछे वाले जितने भी एपिसोड है अगर आपको देखा जाए तो क्लैरिटी पहले ही हफ्ते से हो जाती थी कौन किसका फ्रेंड है, कौन किसका नहीं है, कौन किसका साथ दे रहा है। लेकिन इसमें पहले हफ्ते में इतनी ज्यादा, मुझे लगता है कि या तो ये बहुत ज्यादा बिग बॉस देखकर आ चुके हैं और फॉर्मेट को समझ नहीं रहे हैं और सोच रहे हैं अपने तरीके से करेंगे कुछ नया होगा, तो या तो फिर इन्होंने बिल्कुल नहीं देखा हुआ कि इनको पता ही नहीं है करना क्या है। क्योंकि टास्क के लिए बिग बॉस ने भी उनको बोला, सलमान भाईजान ने भी बोला कि आप लोगों ने कोई मेहनत ही नहीं दिखाई, किसी को उठाने के लिए आप लोग आ ही नहीं रहे थे। जैसे जान बैठ गया था, अभिनव तो चलो बैठ ही गया था, निशांत बैठा हुआ था, उसको नहीं पड़ी हुई थी इम्यूनिटी चाहिए किसी को, तो वही चीज सलमान भाई ने भी वहां पे बोली। और दूसरी एक कॉलर का फोन आया जिसने निशांत को बोला कि भाई तुम तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे जब आने से पहले कि मैं ये हूं मैं वो हूं, ऐसा लग रहा था कि कोई हीरो की एंट्री हुई है और आने के बाद तुम ऐसे बैठे हुए पता ही नहीं चल रहा कि तुम हो क्यों, आए क्यों हो। तो यही बातें दोहराते हुए सलमान ने बोला कि अभी किसी के पास ज्यादा टाइम नहीं है, आपके पास सिर्फ 14 दिन है, दो ही हफ्ते में आप या तो घर के अंदर होंगे या तो बाहर होंगे। बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से सबको समझाते हुए बहुत प्यार से कल का शो खत्म हुआ और आज उसका जो पार्ट टू आएगा वीकेंड के वार का, उसमें मुझे लगता है कि आज मेहर और सरव कलर्स के जो छोटे सरदारनी के कलाकार है वो आएंगे और इनसे टास्क होंगे। तो आज का थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि आज नया क्या होता है और आज किसको सबसे कम वोट मिलते हैं। मुझे नहीं लगता कि आज कोई घर से बाहर जाएगा, लेकिन बोल तो ये रहे हैं कि घर से बाहर कोई होगा, पर मुझे नहीं लगता क्योंकि हर बार 14 के 14 सीजन में फर्स्ट हफ्ते में कोई भी, फर्स्ट वीक में कोई भी घर से बाहर नहीं जाता है। तो इस बार भी मुझे लगता है कि कोई घर से बाहर नहीं जाएगा, अगले हफ्ते कोई ना कोई जा सकता है। और ये जो वीक रहा, जैसे मिली जुली प्रक्रिया थी सबकी, तो वही सलमान भाई ने भी बोला कि आप लोगों को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग तरीके से आना पड़ेगा। और आज के एपिसोड में देखते हैं क्या नया बोलते हैं, क्या नया सीनियर्स को बोलते हैं, क्योंकि सीनियर्स ने भी बहुत सी गड़बड़ की है और उनके बारे में अभी बात नहीं हुई है, अभी सिर्फ जूनियर लेवल्स के जो थे उनको ही लताड़ा है और उनको ही समझाया है, बिकॉज ज्यादा नहीं बोल सकते, ज्यादा किसी का दिख के नहीं आ रहा। लेकिन इसी बीच जैसा कि मैंने आपको बोला कि निकी बहुत अच्छा कर रही थी, उसने इंटरटेनमेंट भी दिया, उसने सबको तंग भी किया, उसने अपनी इम्यूनिटी पाने के लिए लड़ा भी और उसने वाकई ही वो चीज की। और सारा जिस तरीके से माहिरा शर्मा बनी हुई है, मुझे नहीं समझ में आता कि वो क्या कर रही है। एक पंजाब को रिप्रेजेंट करने के लिए देओल और सारा दोनों आए हैं, दोनों के दोनों फंडे बड़े हुए हैं। तो ये मुझे लगता है कि इस बार ये हफ्ता निकी का रहा और दूसरा पवित्रा का रहा। तीसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो रुवीना, तो ये तीनों लोग बहुत अच्छे से दिख रहे हैं, दिख के सामने भी आए हैं। इस हफ्ते नई चीजें बदलेंगी, थोड़ा इधर उधर होगा, बहुत चीजें एक्चुअली मुझे लगता है कि टफ होने वाले हैं, टास्क आने वाले, और देखते हैं क्योंकि सबको लताड़ पड़ी है, तो ये हफ्ते तो हर कोई अपना पंगा लेगा ही लेगा। तो
तो देखते हैं इस हफ्ते क्या होता है। इसी तरीके से बने रहिए मेरे साथ, मेरे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए।